फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक फैंसी टोटे बैग बना रही हूँ, जिसको बनाने के लिए मैंने ये टू शीट ली है। ठीक है, ये मेरे पास टू शीट है। ठीक है, जिसमें से जो मैंने फर्स्ट शीट ली है उसकी मैंने लंबाई और जो चौड़ाई है वो 56 ली है। ठीक है, ये स्क्वायर शीट है। ऐसी मैंने एक और शीट ली है जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है 44 है। ठीक है, बैग बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने जो फर्स्ट शीट ली है ना 56 वाली, उसको क्या करना है, ऐसे पकड़ना है और उसको फोल्ड करना है। ये हो गया, ठीक है, ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, ये फोल्ड करके इसको बराबर फोल्ड करके ये अच्छे से सेट कर लेना है। एक फोल्ड हमने इसको ऐसे करना, ठीक है। अब ये जो है शीट मेरी फोर फोल्ड है, ये एक दो तीन और ये चार। ठीक है, ऐसे फोल्ड करने के बाद क्या करना है, स्केल लेना है। जैसे ये मेरी सबसे पहले अभी इसकी लेंथ कितनी रहेगी है ना, अभी इसकी लेंथ मेरे पास होगी 28। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी ना, इसको सब जगह से 28 करूंगी, जैसे इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये ऐसे रखना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, ये 28। ठीक है, 28 ऐसी करके राउंड में इसको निशान लगाते जाना। ये देखो ऐसे करके ना, ये देखो, ये हमने क्या किया ना, ये जितने भी डॉट्स लगाए थे ना, इनको आपस में ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अभी क्या करना है ना, इनको ना कट कर देना, ये ऐसे पकड़ना है, इनको आप ऐसे कट कर। ठीक है, ये कट करने के बाद हमारे पास क्या है ना, एक ये देखो ऐसे सर्कल शेप बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास ये पीस लिया था ना 44 वाला, हमने इसको भी ऐसे ही करना है। इसको भी ऐसे ही रख के ना, ये मैंने पहले से आपको ये निशान एक लगा के दिखाया है, इसको भी सेम ऐसे जैसे ये वाला किया था ऐसे इसको भी हमने इसको ऐसे फिर से ऐसे फोल्ड देना है और इधर से ये ऐसे करके इस पे भी वैसे निशान लगाने हैं। ठीक है, और निशान लगा के सेम जैसे ये वाला काटा था वैसे ही हमने इसको भी ऐसे ही निशान लगा लेने और इसको भी कट कर देना। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, ऐसे करके ना दो सर्कल बन गए। ठीक है, ये दो सर्कल बन गए। अब इनको क्या करना है ना, अलग अलग दो फैब्रिक लेने हैं। ठीक है, उनके ऊपर पेस्ट करना है, ये वाला छोटा वाला अलग फैब्रिक के ऊपर करना है और ये बड़ा वाला को अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर देना है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, पेस्टिंग को ना एक क्लॉथ के ऊपर चिपका लिया। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। पेस्ट होने से क्या कर लिया, ये तो हमारा हो गया मेन फैब्रिक और ये वाला जो है मेरा इनर फैब्रिक है। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, ऐसे इसको रखना है। ठीक है, और इसको क्या करना है, हमने इतना जो पार्ट है इतना पार्ट छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी और बाकी सारे इसके राउंड में ये एक सिलाई लगा देना। ठीक है, इसको ओपन रखना है इतना पार्ट। सेम ऐसे ही हमने क्या करना है, ये जो हमारा दूसरा पार्ट है इसको भी ऐसे ही किया हमने, इसको भी ऐसे ही हमने एक पेस्टिंग क्लॉथ के ऊपर चिपका दिया और दूसरा हमारा ये जो है इनर क्लॉथ हो गया। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ से फिर इसका भी ऐसे ओपन पार्ट रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी और इसको भी ऐसे करके हमने सिलाई लगानी है, दोनों में ऐसे ही करना है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इधर से इतना हिस्सा ओपन छोड़ के ना बाकी इसमें सारी जगह पे ऐसे राउंड में क्या कर दिया, सिलाई लगानी। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद क्या करना है, इसके ना ऐसे करके हल्के हल्के ना कट लगाने हैं सब जगह। ठीक है, ये कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद क्या करना है ना, ये पूरे राउंड में लगाने हैं कट लगाने के बाद क्या करना है, इसको ना यहाँ से क्या करना है, ट्विस्ट कर देना है। ठीक है, ट्विस्ट कर लेंगे हम, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, इसके भी सारी साइड में क्या करेंगे, ऐसे ही कट लगाएंगे। ठीक है, ऐसे कट लगाएंगे और क्या करेंगे, जो इसका ओपन वाला पार्ट है उसको क्या करना है, वहां से हमें इसको ट्विस्ट कर लेना है। ठीक है, अभी मैं दोनों आपको ट्विस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी क्या किया, इसके ना हमने इसको ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट करने के बाद ना ये ऐसे हो गया। ठीक है, ये दोनों पार्ट हमारे ऐसे बन गए। तो क्या करना है, हमने जो बड़ा वाला पार्ट है ना, इसके क्या करना है, ये जो ओपन वाला पार्ट भी है और इसके यहाँ से लेके यहाँ तक ना एक सिलाई लगा देनी है। ठीक है, इस वाले पार्ट पे लगानी है। ठीक है, अभी इसके हमने ये क्या किया, सारी साइड में ना ये सिलाई लगानी। सिलाई लगाने के बाद क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे हाफ फोल्ड कर देना।
ठीक है, ये ऐसे पकड़ के इसको हाफ कर देना, ठीक है। ऐसे करने से क्या करना है, उसके बाद ऐसे करके ना हमने इसको सेंटर से ऐसे करके कट करना है, ठीक है। ये हमने हाफ में कट कर दिया, ठीक है। इसके ये टू पीस बन गए, ठीक है, ठीक है। जैसे हमने पहले वाले पार्ट को हाफ में कट किया ना, ऐसे हमें इसको ऐसे रखना है, ठीक है। और ऐसे रख के क्या करना है, इसको भी हाफ में ये हमने कट करना है, ठीक है। ऐसे कट करने के बाद क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है। और इसका ऐसे करके हमने क्या करना है, ये सेंटर लेना है, ठीक है। यहाँ से हल्का सा कट करा देना, ठीक है। ऐसे हमने जो बड़ा वाला पार्ट है इसका भी यही करना है, ऐसे पकड़ना है, ठीक है। पकड़ के यहाँ से क्या करना है, इसको ऐसे करके हमने सेंटर लेना है, ठीक है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो सेंटर, इसका सेंटर है, ठीक है, बड़े वाले का सेंटर, और ये जो है छोटे पीस का सेंटर है, इसको ऐसे सेंटर पे ऐसे रख के क्या करना है, इसके ये सिलाई लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे राउंड में सिलाई लगा देनी है, सेम ऐसे हमने ये वाले पीस के भी सेम ऐसे ही करना है। अभी सिलाई लगाने के बाद हमारे पास ना ऐसे दो पीस तैयार हो गए, ये सिलाई लगाने हमने, ठीक है। अभी क्या करना है ना, हमें इनका बॉटम बनाना है। बॉटम बनाने के लिए क्या करना है, एक और पीस लेना है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है मैंने 24 रखी है और चौड़ाई जो रखी है 20 रखी है, ठीक है। अभी इसको क्या करना है, हमें इस साइड से ऐसे करके ना इसको फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करके यहाँ से इसके सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे सिलाई लगा ली, यहाँ से ना ये दोनों साइड पे हमारा ओपन है। अभी क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ के हमने इसको ना ट्विस्ट करना है, ठीक है। यहाँ से ऐसे पकड़ लिया और यहाँ से इसको ये ट्विस्ट करना है, ठीक है, ठीक है, ट्विस्ट कर। ट्विस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, ये जो हमने ये दोनों पार्ट बनाए हुए थे ना ये, ठीक है, पहले क्या कर लेना हम ये वाला, ठीक है, इन दोनों पीस में ये बॉटम को सेट करना है। सेट करने के लिए क्या करना है, हमने इसको ऐसे हाफ में फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करके इसका ये सेंटर पॉइंट ले लेना है, ठीक है। ऐसे इधर से भी ऐसे करेंगे, इधर से भी इसको फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद क्या करना है, इसको ये सेंटर पॉइंट लेना है, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ से हमने सेंटर पॉइंट पहले से लगाया हुआ है, अभी इसको ऐसे रखना है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट, ठीक है, रख के और यहाँ से एक ऐसे करके सिलाई लगानी है, ठीक है। सेम ऐसे फिर इसको ऐसे करके टर्न करना है, ठीक है, टर्न करके इसको ऐसे रखना है और यहाँ पे भी एक सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ऐसे इनको क्या करना है, अटैच करना है, क्या किया हमने इसको ना दोनों साइड से ये देखो सिलाई लगा के इसको इन दोनों पीस के साथ क्या किया, अटैच कर दिया, ठीक है। अभी क्या करना है, हमने इसके यहाँ पे ना एक कट लगाना है हल्का सा, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी कट लगाना है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी लगाना है और ऐसे यहाँ पे लगाना है। तो क्या करना है, पहले ये वाले पीस को ऐसे उठाना है, ठीक है, और ऐसे पकड़ के ये ऐसे पकड़ के यहाँ पे ये सिलाई लगा, ठीक है, इसके साथ सिलाई लगा। सेम ऐसे ही ये वाला पीस पकड़ना है, इसको भी पकड़ के इसके साथ ऐसे रखना है और ये सिलाई लगा, ठीक है, ये ऐसे सिलाई लगा, ठीक है। उसके बाद सेम ऐसे जैसे हमने यहाँ पे किया, ऐसे ये वाले जो पीस है इनको भी ऐसे उठाना है और ऐसे पकड़ के इधर एक सिलाई और इसको ऐसे पकड़ के ऐसे करके यहाँ पे एक सिलाई लगाना, ठीक है, दोनों साइड से ऐसे करना, ये सारी जगह सिलाई लगाने के बाद ये बॉटम जो है हमने अटैच कर दिया। अभी क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे करके सीधा कर देंगे, ठीक है। सीधा करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये इसका बॉटम है, ठीक है, इसमें इनको अटैच कर लिया। अब ये कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने ये जो है यहाँ से
यहाँ तक सिलाई लगानी है, ऐसे यहाँ से भी इसके इसको ऐसे पकड़ के पहले करना है सेट, ठीक है। सेट करने के बाद क्या करना है, इसके ऐसे करके राउंड में यहाँ तक सिलाई लगानी। अभी हमने क्या किया, यहाँ से सिलाई लगा ली, ऐसे ही दूसरी साइड में भी हमने क्या किया, इधर से यहाँ तक सिलाई लगा ली, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अभी क्या करना है, हमने इसके दोनों साइड में ना स्ट्रैप लगाने हैं, तो स्ट्रैप लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे करके ना दो हमने ये दो पट्टियां लेनी है, ठीक है। ये लेके हमने क्या करना है, जिसकी लंबाई जो है 55 रखी हुई है, ठीक है, और जो चौड़ाई रखी हुई है वो मैंने 10 सेंटीमीटर रखी हुई है, ठीक है। स्ट्रैप बनाने के लिए क्या करना है, पहले इसको ऐसे करके कपड़े को ऐसे सेंटर में फोल्ड कर दिया, ठीक है, फिर इसको भी ऐसे सेंटर में फोल्ड कर दिया और दोनों को पकड़ के ये ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और ऐसे करके हमने क्या करना, पूरे को ऐसे रख के, ठीक है, ऐसे रख के ये ऐसे सिलाई लगानी, ठीक है, और स्ट्रैप तैयार करनी है। अभी हमने क्या किया, ये दो स्ट्रैप तैयार कर लिए, ठीक है। अभी इन स्ट्रैप को क्या करेंगे, ऐसे बैग लेंगे, ठीक है, ये ऐसे निशान लगा के ना मेजर करके यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाएंगे, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद क्या करना है, इसको ऐसे डन कर देंगे, ठीक है, ऐसे करके एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ऐसे एक साइड से भी ऐसे करेंगे, ऐसे यहाँ पे रखेंगे, सिलाई लगाएंगे और उसके बाद ऐसे इसको डन कर देंगे, ठीक है, और ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ही दूसरी साइड भी स्ट्रैप लगाएंगे। ये अभी हमने क्या किया, इस पे दोनों साइड पे स्ट्रैप लगा लिए, ठीक है। स्ट्रैप लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर पे ना एक स्नैप बटन लगा देंगे, ठीक है। ये यहाँ से इसको बंद करने के लिए ये हम लगा देंगे स्नैप, ठीक है। अभी हमारे ये जो बैग है तैयार हो गया, ठीक है। इसमें हम इतना स्टोरेज है कि इसमें हम अपनी जरूरत का सारा सामान जो है अपने साथ इसमें कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे ये जो मैं छोटे छोटे पार्सल दिखा रही हूँ, अगर इनकी भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जाके लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने देखो अपनी जरूरत का सारा जितना मुझे चाहिए होगा सामान मैं इसमें डाल के इजिली इसको कैरी करके लेके जा सकती हूँ, ठीक है। प्लीज अगर मेरे चैनल में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। ये बनने के बाद कुछ ऐसा, यहाँ पे स्नैप बटन लगाया, मैं इसको भी बंद करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा।